से हमारे न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं लोकसभा चुनाव की अभी तक की प्रमुख खबरें। बंगाल में फिर बवाल, भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या, दो को मारी गोली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान शुरू होने से पहले भाजपा के एक बूथ कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। टीएमसी के एक कार्यकर्ता का भी शव मिला है। इसके अलावा टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है। राहुल गांधी ने डाला वोट, कहा हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत का और हमने प्यार का इस्तेमाल किया है। इस बार बेरोजगारी, किसान और भ्रष्टाचार मुद्दा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से की वोट करने की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके देश की जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने खासकर युवाओं से अपील की है कि वो वोट आज जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दें। मेनका गांधी और सोनू सिंह के बीच हुई तूतू मैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एक पोलिंग बूथ पर जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान रास्ते में उनकी बहस सोनू सिंह से हो गई। मेनका और सोनू के बीच में इस दौरान बहसबाजी और तूतू मैं भी हुई। बीजेपी ने टाइम के लेख पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी को दी ग्रेट गेम चेंजर ऑफ इंडिया बताया। पात्रा ने आरोप लगाया कि मैगजीन में आर्टिकल लिखने वाला पत्रकार पाकिस्तानी है। बिहार भाजपा उम्मीदवार रमा देवी के कमरे से लाखों रुपए बरामद। बिहार के शिवहर से भाजपा उम्मीदवार रमा देवी के कमरे से 4 लाख रुपए मिलने के बाद उन पर FIR दर्ज की गई है। शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। शीला दीक्षित बोली, अरे भाई अरविंद केजरीवाल, मेरी सेहत को लेकर क्यों गलत अफवाहें फैला रहे हो। दिल्ली की पूर्व CM शीला दीक्षित ने केजरीवाल पर एक आरोप लगाते हुए उन्हें कुछ खास सलाहें भी दे डाली। उन्होंने अपने साथ खाना खाने का ऑफर भी दे दिया। दीक्षित का आरोप है कि दिल्ली के CM केजरीवाल उनकी सेहत को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। ठियोग में प्रियंका गांधी के रोड शो को SPG का इंकार। शिमला के ठियोग में अब प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो नहीं होगा। ठियोग में प्रियंका के रोड शो को SPG ने सुरक्षा कारणों के चलते साफ इनकार कर दिया है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।